हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेन की 2019 की रिजल्ट आने वाली थी। आप लोगों को बता दूं, आज बहुत सारे न्यूज़ चैनल ने दावा किया था कि आज रिजल्ट आ जाएगी, लेकिन आज रिजल्ट नहीं आई है। क्या है कारण, वो सारी बातें हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और NTA के एक एजेंट ने एक न्यूज़ चैनल से बात की कि रिजल्ट क्यों नहीं आई है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो आइए देखते हैं रिजल्ट क्यों नहीं आई है, क्या जानकारी उन्होंने दी है। तो यार, आप देख सकते हो मैं डिजिटल लर्निंग के साइट पे हूँ। इस साइट में बताया गया है कि JEE मेन अप्रैल एग्जाम के रिजल्ट आज अनाउंस हो जाएगी 22 अप्रैल को, लेकिन रिजल्ट आज अनाउंस नहीं हुई है। तो कुछ न्यूज़ प्रिंट मीडिया दावा करते हैं कि आज रिजल्ट आ जाने चाहिए थे, क्योंकि मैं बता दूं जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मुताबिक रिजल्ट 10 से 12 दिन के अंदर पब्लिश कर दी गई थी। तो अगर 10 से 12 दिन के अंदर की बात की जाए तो 12 अप्रैल को लास्ट एग्ज़ाम हुआ था JEE मेन का, और आज रिजल्ट पब्लिश कर दी जानी थी। तो क्यों नहीं हुई ये रिजल्ट पब्लिश, NTA के एक एजेंट ने बताया एक न्यूज़ चैनल के प्रिंट मीडिया को। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है वो बातें। तो आप देख सकते हैं मैं NDTV इंडिया के प्रिंट मीडिया के वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे बताया गया है JEE मेन रिजल्ट 2019 में हुई देरी, जानिए अधिकारी ने क्या कहा। तो एक NTA के एक अधिकारी ने NDTV इंडिया से बात करते हुए बताया कि रिजल्ट जारी क्यों नहीं किया गया। तो आइए देखते हैं क्या है कारण वो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे JEE मेन 2019 रिजल्ट में अभी समय लग सकता है। NTA के एक अधिकारी ने NDTV से बातचीत में कहा, JEE मेन परीक्षा का रिजल्ट इस सप्ताह नहीं जारी होगा, रिजल्ट में अभी समय लग सकता है। JEE मेन 2019 अप्रैल परीक्षा का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nic.in पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवार इस वेबसाइट से ही अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। उम्मीदवारों को अपना रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि भरकर लॉगिन करना होगा। बता दें कि JEE मेन 2019 परीक्षा 7, 8, 9, 10 और 12 अप्रैल को आयोजित की गई थी। इसमें करीब 11 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। आपको बता दें कि JEE मेन 2019 की पहली परीक्षा जनवरी में आयोजित की जा चुकी है। JEE मेन परीक्षा के लिए जनवरी में 9,35,741 छात्रों ने पंजीकरण कराया था। अप्रैल सत्र में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिए 6,543 उम्मीदवार की वृद्धि, मतलब स्टूडेंट बढ़े थे। वहीं आर्किटेक्चर पाठ्यक्रम में पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या जनवरी में 1,80,052 से गिरकर अप्रैल में 1,69,767 हो गई है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करके आप JEE मेन रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, जब भी रिजल्ट पब्लिश की जाएगी मैं आपको सबसे पहले नोटिफाई करूंगा। तो आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, यही न्यूज़ देनी थी आप लोगों को। और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, और जैसे ही रिजल्ट आएगा मैं आप लोगों को सूचित कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करते रहें और शेयर भी करें इस वीडियो को, ताकि सभी को पता चल पाए कि रिजल्ट क्यों नहीं आया और रिजल्ट पब्लिश कब होगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू।